हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे कि मेनूज कैसे बनाए जाते हैं जुमला की वेबसाइट में। ये जुमला 4 है, जैसा कि आपको पता है हम जुमला सीरीज देख रहे हैं। और ये जुमला का फ्रंट एंड है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट के टाइटल उसमें लोगो लगा के रखा है। अभी यहाँ पे कोई मेनूज नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अभी इसमें मेनूज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हम लॉगिन कर चुके हैं बैक एंड में। ये इसका डैशबोर्ड है जुमला 4 का। अब इस पर आते हैं, यहाँ पर मेनूज में जाएंगे। ये मेन मेनू है, ये बाय डिफॉल्ट आता है बना हुआ, हम अपना खुद का भी बना सकते हैं। इसमें मैंने मेनू आइटम बना के लगा के रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट एड प्रोडक्ट, ये मैंने कंपोनेंट के लिए लगाए थे। और होम होता है जो डिफॉल्ट होता है, इसको होम आइकन पे यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, जब वेबसाइट लोड होती है तो ये डिफॉल्ट मेनू कॉल होता है। तो ये मैं बना बने रखे हैं, आप चाहे तो दूसरा बना सकते हैं। तो इस तरह से मेनू बनते हैं। अब ये मेनू आइटम कहलाते हैं। और ये जो हमने, जैसे मैनेज पे क्लिक करूंगा तो ये मेनू है। अब यहाँ पे एक मेन मेनू बना हुआ है, हम कई कई सारे बना सकते हैं, साइड मेनू, फुटर मेनू, ठीक है। मेन मेनू हम नॉर्मली होम पेज पे ऊपर जो दिखाते हैं वो मेन मेनू होता है। अब इसमें मेनू आइटम ऐड करना है, अगर इसको एडिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मेन मेनू 1 ये टाइटल है, इसका यूनिक नेम जो होता है, जो ये सबका अलग अलग होता है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है कि किसके बारे में है ये। तो ये है ऑलरेडी। अगर आपको दूसरा बनाना है तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फुटर मेनू, ठीक है। वो इस सेम नेम यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पर स्पेस नहीं होता ऑलरेडी, लेकिन और स्मॉल लेटर में रखा जाता है, वो ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में कर देगा। दिस इज फॉर फुटर एरिया, ठीक है। और मैं सेव कर दिया, तो ये अपना एक और मेनू बन गया, फुटर मेनू। अब इसमें मेनू आइटम ऐड करना है, तो हम मेनू आइटम ऐड करेंगे। पहले इस पर क्लिक किया मैंने, फुटर मेनू पे क्लिक किया, इसके बाद न्यू करूंगा। अब यहाँ पर कर देते हैं साइट मैप, ठीक है। साइट मैप मैंने एक मेनू बनाया, मेनू आइटम, इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। इसमें से देखूँगा साइट मैप है कि नहीं है, साइट मैप सिस्टम लिंक स्मार्ट सर्च, इस साइट मेनू मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटेंशन, ठीक है। तो मैं कुछ और बना देता हूँ, रैपर में क्या है, हाई फ्रेम रैपर, मैंने अभी ये न्यूज़ फीड के लिए बनाया है, ठीक है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ न्यूज़ फीड, बना देती है, बना दिया मैंने। अभी सारी कैटेगरी है, ग्लोबल ही है। अब यहाँ पे देखना है मेनू कौन सा सिलेक्ट है, मेन मेनू है या फुटर मेनू है। तो फुटर मेनू हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब इसको हम सेव किया, तो ये एक मेनू आइटम बन गया, किसके अंदर, फुटर मेनू के अंदर। तो इस तरह से बन गया। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा जो मेन मेनू है ये फ्रंट एंड पे अभी दिखा दिया था, तो इसको पहले फ्रंट एंड पे असाइन करते हैं। तो फ्रंट एंड पे असाइन करने के लिए आपको मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैनेज में आके साइट मॉड्यूल्स, साइट मॉड्यूल्स में आएंगे,
यहाँ पर देखिए मर्ड मेनू का मॉड्यूल ऑल बना हुआ है, लेकिन वो अनपब्लिश है, मैंने पब्लिश कर दिया। पोजीशन ये मॉड्यूल, वो हर मॉड्यूल को एक पोजीशन दी जाती है, मैंने इसको पोजीशन मेनू ऑलरेडी है। और मेनू असाइनमेंट ऑल पेजेस, ये कौन कौन से पेज पे हमको दिखाना है, तो ये इस तरह की सेटिंग है। नो पेज मतलब किसी पे भी नहीं दिखेगा, ओनली ऑन द पेज सिलेक्टेड, तो जिस पेज पे हम सिलेक्ट चेक लगा देंगे इस तरह से, ये अनचेक कर दिया, चेक कर दिया तो उन पे ये दिखेगा, अगर अनचेक कर देंगे यानी कि उस पेज पे नहीं दिखेगा। तो लेकिन हमको मेनू हर पेज पे दिखाने होते हैं, तो इसलिए हमने ऑन ऑल पेजेस कर दिया। एडवांस में मेनू की टैग आईडी, क्लास, ये स्पेसिफिक कुछ रीज़न हो हमारा, जैसे कोई जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट से कोई काम कराना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, लेआउट कैसा रखना है अभी देखते हैं। अभी कोलैप्स ड्रॉप डाउन है, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये रीलोड किया, ये आ गया मेन मेनू, ठीक है, फुटर में कोई मेनू नहीं है। अभी ये इसका लुक ऐसा है, अगर आप इसको, इसमें आ रहा था ऑप्शन ड्रॉप डाउन अकेला, क्या चेंजेस है देखते हैं। अच्छा, कोई फर्क, खास फर्क नहीं दिख रहा मुझे, दोनों में सेम ही है। ड्रॉप डाउन भी गलती से क्लिक हो गया, तो ये दोनों सेम ही है, मुझे तो कोई असर नहीं देखा। कोलैप्स ड्रॉप डाउन, मोबाइल लेआउट में देखते हैं मोबाइल में कैसा दिखता है। अच्छा, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, अब उसको वापस से फिर से चेंज कर देना है ड्रॉप डाउन, हो सकता है मोबाइल में अलग दिखे ये, ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा इसमें, और अगर ड्रॉप डाउन करने पर ये खुला हुआ दिख रहा है। अच्छा, कॉलेप्स का मतलब भी वही होता है, कॉलेप्स मतलब वो उसको वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, ड्रॉप डाउन नहीं दिखती है, ड्रॉप डाउन दिख के क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन दिखेगी, बाय डिफॉल्ट कॉलेप्स हो जाता है ये, इस तरह से इसको कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है, ये इसके लिए होती है वो सेटिंग। डेस्कटॉप पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमने ये मॉड्यूल लगा दिया है। अब हम अपना जो फुटर में लगाया बनाया है मेनू, उसके लिए हम एक मॉड्यूल बनाते हैं, इसके लिए हमको मेनू मेनू मॉड्यूल बनाना है, तो मेनू सर्च करते हैं, ये आ गया। अब बस हमको यहाँ पर फुटर ऑलरेडी सिलेक्टेड आ ही रहा है, तो हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब बस पोजीशन देखना है कौन सी पोजीशन पे, फुटर में देखते हैं कोई सी, ये फुटर नाम से ही आ रही है, इस पर देखते हैं लगा के। और इसका मेनू असाइनमेंट ऑल ऑल पेजेस है, और इसमें अभी ये डिफॉल्ट मेनू है कोलैप्स, अब हम इसको नाम दे देते हैं फुटर मेनूज, ये नाम कुछ भी हो सकता है, नाम अभी यहाँ पे शो होगा, हम इसको हाइड कर देंगे बाद में। ये देखिए फुटर में एक मेनू आ गया है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अभी अपने टेम्पलेट और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कहाँ पर दिखाना है। अच्छा, इस पे टाइटल भी नहीं दिख रहा है, ये अच्छी बात है, वैसे हमने शो कराया हुआ था, हाइड कर दिया, ये ऑलरेडी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। और न्यूज़ फीड पे क्लिक किया तो ये अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा है, नो आर्टिकल इन दिस फीड, ना कोई आर्टिकल नहीं है। दूसरा मेनू बनाते हैं एक और, अच्छा सा कोई, किस टाइप का बनाना है, कॉन्टेक्ट का बनाते हैं, कॉन्टेक्ट क्रिएट कॉन्टेक्ट फीचर कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉन्टेक्ट सिंगल कॉन्टेक्ट,
और लेकिन कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ होना चाहिए, ये तो बनाना पड़ेगा पहले। अभी तक हमने कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं बनाया है, इसको बनाना पड़ेगा। कुछ और यूज करते हैं, कैटेगरी ब्लॉग बना लेते हैं और यहाँ से एक कैटेगरी चेंज करेंगे, जुमला और आर्टिकल। ठीक है, ये फुटर मेनू में है, इसका नाम रखते हैं कैटेगरी ब्लॉग। तो ये आ गया कैटेगरी ब्लॉग। ठीक है, ये मेनू ऐसे बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में देखते हैं कुछ नया टॉपिक जुमला 4 के बारे में।